छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता कर दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत की बुनियाद तैयार हो चुकी है। 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में जनता छत्तीसगढ़ को कुशासन से मुक्त करने, विकास की बुलंद इमारत खड़ी करने आतुर है। छत्तीसगढ़ में अधूरा छंट रहा है, सूरज निकलने वाला है। 3 दिसंबर को जनता की फिर से दीपावली होगी। दूसरा, मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। जब से चुनाव स्टार्ट हुआ, हमारी यात्रा स्टार्ट हुई, तब से आज तक आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष रूप में समाचार को प्रसारित किया, हमारी बात को अच्छी तरह से जनता के सामने आप लोगों ने रखी। इसलिए मैं आपके प्रति, जब चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है, उस अवसर पर आभार व्यक्त करने का भी अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा, लोकशाही में चुनाव महत्वपूर्ण होता है। चुनाव लोकशाही का एक अभिन्न अंग है और हमारी डेमोक्रेसी में व्यवस्था की गई है कि दलीय व्यवस्था में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, सब दल अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो, अपने विचारधारा के द्वारा अपनी बात रखते हैं। जनता पार्टी को, दल को पसंद करते हैं और जिस दल को बहुमत मिलती है वो दल अपना नेता तय करके सरकार की रचना करते हैं। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पर विश्वास रखते हैं। आपने हमारे चुनाव प्रचार के दरमियान देखा होगा, चुनाव एक ऐसी स्थिति में हमने लड़ा जहां हमने कोई भी जगह पे मसल पावर और मनी पावर का प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा, पिछले 15 दिन में, 1 महीने में कांग्रेस ने मनी पावर और मसल पावर के द्वारा अपना सत्ता का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डराने की कोशिश की। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकियां मिली। हमारे 2 कार्यकर्ता, एक बिरजू तारेम और दूसरा रतन दुबे, 2 कार्यकर्ता की हत्याएं हुई, उसके हत्यारा के सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई और वहां इस गांव में लोगों को धमकी दी गई। मैं रतन दुबे के परिवार को अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मतदान के दिन सब परिवार गुंडागिर्दी के सामने, अत्याचार के सामने आवाज उठाने के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसके परिवार ने हिम्मत के साथ वोटिंग किया और गुंडाओं को, नक्सलवाद से जुड़े हुए लोगों को संदेश दिया, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोकशाही को मजबूत करना चाहते हैं और राज्य में एक सशक्त सरकार बनाना चाहते हैं ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों की जान माल की रक्षा कर पाए। दोस्तों, पिछले चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी की 6 रैली हुई, आप सब लोगों ने देखा, विशाल संख्या में जनसमूह उपस्थित रहे और मोदी जी ने लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया। हमारे गृह मंत्री जी ने 9 सभाएं की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 सभाएं की, कुल मिला के 90 विधानसभा में 100 से अधिक छोटी मोटी सभाएं करके हमने जनता जनार्दन के बीच में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो हमने जनता के सामने रखा। आप सब लोगों ने मैनिफेस्टो के बारे में सुना है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है
वो करती है। हम कभी वायदा का व्यापार करके केवल चुनावी वायदा नहीं करते हैं। हमने जो जो राज्य में जो जो कहा था हमने करके दिखाया। आप लोग देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आपके मीडिया कलीग कर्नाटका में भी होंगे, आपके मीडिया कलीग हिमाचल प्रदेश में भी होंगे। हिमाचल के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया था, महिलाओं के लिए वहाँ भी घोषणा हुई थी, युवाओं के लिए घोषणा हुई थी। लेकिन घोषणा ही केवल घोषणा रह जाती है, ये कांग्रेस की रीति नीति कार्य पद्धति रही है। उसका एजेंडा केवल चुनाव जीतना है, उसका एजेंडा चुनाव जीत के सरकार बनाना है। हमारा एजेंडा जनहित का एजेंडा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी मोदी की गारंटी है। और इसलिए हमने जो वादा किया है हमारे मैनिफेस्टो में, बहुत सोच के बहुत समझ के किया है। कांग्रेस ने आपने देखा होगा पहले कहा कि हम 2600 में धान खरीदेंगे, बाद में उसके एक नेता ने यहाँ घोषणा की हम 3000 में धान खरीदेंगे। फिर उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में ज्यादा कर दिया, तो फिर अनाउंसमेंट किया कि हम 3200 में धान खरीदेंगे। हमने एक बार ही कहा है और हम करके रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। वो कहते हैं करते नहीं है, और आज भी 4 किस्त में वो पैसा देते हैं। किसान को राह देखनी पड़ती है, किसान को अपने घर में प्रसंग होता है, परिवार में कामकाज होता है, बेटे बेटे की शादी होती है, एक साल में एक बार उसके यहाँ उत्पादन होता है, उसका तुरंत ही पैसा मिले बहुत आवश्यक होता है। हमने तय किया है कि हम किसानों को तुरंत ही एक ही मुश्क में उसके अकाउंट में पैसा दे देंगे। दोस्तों, मैं मानता हूँ ये दिसंबर महीना छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। हमने मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की है, हमने ऐसा नहीं कहा है, जब विधानसभा के फ्लोर पर बोलते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के एक वीडियो देखा, वो कह रहे थे कि दारूबंदी के लिए हमने वादा किया है, लेकिन अभी तो हमारी सरकार के पास 5 साल है, अभी 5 साल भी पूरी हो गई, 5 साल में अपने अपने वादे का अमल नहीं किया। हम कोई 5 साल के लिए वादे के लिए राह दिखाने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज हमने मैनिफेस्टो में वादा किया है, दिसंबर की 3 तारीख में हमारा बहुमत मिलने के बाद हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद हम तुरंत ही हमारा मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसलिए दिसंबर महीना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। ये महीने में ही हम पहला काम, पहली कैबिनेट में हमारा काम होगा, हम छत्तीसगढ़ के जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है ऐसे 18 लाख परिवार के लिए 18 लाख मकान देने के लिए कैबिनेट में अप्रूव करेंगे। ये हमारा पहला वादा, और दिसंबर में ही हम पूरा करेंगे। दूसरा, जो पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट रहे, जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमारी एम्बिशियस होती है, हम मेहनत करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे। और भला किसके मन में नहीं होता कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आए, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में आए और गवर्नमेंट जॉब में आए, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करें। युवा लोग रात दिन मेहनत करते हैं, मैं भी एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयारी करता था, मुझे पता है ऐसी मेहनत करने वाले युवाओं के साथ जो अनजस्टिस हुआ है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था, मेरा दिल दुख जाता था। पहचान वाले नज़दीकी लोग को नौकरी देने के लिए मेरिट में, जिसकी कोई लागवग नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, ये सरकार की रीति नीति रही, लागवग ये लायकात, पैसा ये परमेश्वर,